जी गुड इवनिंग सर। सर BSNL पे हेलो ट्यून लगाने के बारे में जानकारी हमें चाहिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यहाँ पे टेक मेमोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा आपने सुना है कि BSNL के कस्टमर केयर से मैंने लाइव बात करके दिखाया आपको, तो फाइनली आज इस वीडियो में हम सीख लेते हैं कि BSNL के कस्टमर केयर से हम किस तरह से बात करते हैं, जो 2022 का लेटेस्ट प्रोसेस नया प्रोसेस है। तो चलिए फिर इस वीडियो को कर लेते हैं कंटिन्यू। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल के माध्यम से लेकर आपके पास आया करता हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे एक नंबर आपको डायल करना अपने डायल पैड में 1503, इस नंबर पे आपको कॉल करना है, ठीक है। और कॉल करेंगे तो इस तरह से रिंग जाएगी जैसे आप देख पा रहे हो। वेलकम टू BSNL GSM मोबाइल सर्विसेज। थोड़ा सा वेट करना है। ध्यान से सुनिए, एक दबाना, पहले भाषा चुनना है, ठीक है। एक दबाना है, एक दबाना है। वॉइस एंड SMS टैरिफ के लिए एक दबाएं। सेकेंड पर ध्यान दीजिए, दो दबाएं। अपना मनपसंद नंबर चुनने के लिए तीन दबाएं। डेटा पैक ऑफर्स के लिए चार दबाएं। मिनट पैक के लिए पांच दबाएं। वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए छह दबाएं। MNP के लिए सात दबाएं। सेल्फ केयर के लिए आठ दबाएं। पूरा सुनना, हमारी ग्राहक सेवा अधिकारी से बात करने के लिए नौ दबा देना है। नौ दबा देना है। जिस सेकंड में मैं जो दबा रहा हूँ उसी सेकंड पे आप भी दबाइएगा तो तुरंत कॉल लगेगी। हस्तांतरित की, देखिए यहाँ पे कॉल जा रही है। प्रिय ग्राहक, प्रशिक्षण और गुणवत्ता उद्देश्य हेतु आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। वेट करना है। जी गुड इवनिंग सर। सर BSNL पे हेलो ट्यून लगाने के बारे में जानकारी हमें चाहिए। कॉलर ट्यून? जी सर जी। तो दोस्तों यह प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया, मुझे बात नहीं करना था, बस आपको प्रोसेस समझाना था। तो उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी, हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। बाय बाय दोस्तों।